गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सबका सीधा सौदा में, और सीधा सौदा के इस थर्सडे के एडिशन में खास करके स्वागत है। बढ़िया मूड दिख रहा है भाई साहब। 3/4 फीसदी यानी कि अच्छा खासा 160-165 अंकों का गैप इंडिकेट कर रहा है गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से। खैर, ऐसा मूड अक्रॉस द ग्लोब आपको नजर आएगा क्योंकि मदर ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक्स का आउटकम आया कल। इसीलिए सुबह हम लोग दिखा रहे थे, आएं बाएं दाएं कहीं भी ले सकते हैं वो चचा, लेकिन लकीली जो कुछ कहा जो कुछ बोला शायद बाजारों को बढ़िया पसंद आ रहा है। तो यूएस के बाजार खुद 1-1.5% उछले, हमारे सारे एशियन भाई बंधु तेजी में है और हमारा भी गिफ्ट निफ्टी तेज। लाइए ऐसे में गिफ्ट निफ्टी कह रहा हूँ, हमारी पिच दिखाई जरा, स्टेडियम पे ले चलिए हम लोग को, हमारे कमेंट्री बॉक्स को स्टेडियम में उतार दीजिए। पब्लिक तो ठीक है, पब्लिक भरी रहती है, पता नहीं मुझे लगता है वहाँ पे कुछ सीट में प्रॉब्लम है, वो आखिरी के कोने की सीट जो है ऐसे दिन भी भर नहीं रही है। ऐसे दिन मतलब आज तो मूड बढ़िया था, सब खुशी खुशी बाजार में अप्रोच करते, पर मुझे लगता है वो टिकट का इशू नहीं है, वो सीट उधर जो कोने वाली है उधर या तो तख्ता टूट गया है, ये डायरेक्टर एक तो स्टंप का पैसा नहीं दे रहा तो तख्ते का क्या देगा, ये प्रॉब्लम है। और या तो फिर अपना ये जाता है तो उधर से व्यू नहीं आ रहा है पिच का, डायरेक्टर साहब ऐसा कह रहे हैं इसीलिए वहां पे लोग बैठना अवॉइड करते हैं, ये अपना ये आगे जाता है ना तो पिच का व्यू ढंग से नहीं आता, पैसा दो और अगर पिच ही ना दिखे तो क्या मजा। सही बात, ये तो सही एकदम, पर पिच सख्त है लेकिन उसी प्लेस में नीचे देखो एकदम भरा हुआ है। ये बात है, वो सस्ती वाली है ना, ये बात सही है, जिनके स्पोंडाइलाइसिस की बीमारी हो ऐसे व्यक्ति देखते रहते हैं तो करो फ्रंट रो का टिकट लो 2.5 घंटे में गर्दन सही हो जाएगी। क्या मूड कैसा है, पिच तो बढ़िया दिख रही है। आज तो यार बहुत अच्छी पिच भी दिख रही है, अपना देखो निफ्टी वाला क्या गुजराती गांधीनगर निफ्टी सॉलिड दिख रहा है, तो यूएस के क्यूज तो ऑलवेज अच्छे थे, वो तो कभी गड़बड़ हुए नहीं, ये तो अपनी समस्याएं यहाँ पे हैं कि म्यूचुअल फंड बेचो, मिड कैप बेचो, सरकारी बेचो। आज मुझे लगता है कि ख़त्म हो गया होगा जिस तरह का माहौल है कि अब मंदी मंदी की बात ख़त्म, आज से हो सकता है तेज़ी होनी चाहिए, अगर आज भी नहीं सुधरता है तो फिर आप इसका मतलब कुछ सीख नहीं रहे अपने अड़ोसी पड़ोसी बड़े भाइयों से, क्योंकि आज यूएस मार्केट में जो कल तीनों इंडाइसेस ने लाइफ हाई लगाया ना सिग्निफिकेंट है, साल भर का टारगेट मार्च में ही पूरा हो गया है, 5200 का S&P खड़ा है और फंडामेंटली खड़ा है, सर ही हवाबाजी में सिर्फ अर्निंग देखिए क्या सॉलिड आ रही है वहाँ पे। सो आई थिंक कि पिच तो बहुत अच्छी है, अपने आप मुझे ऐसा लगता है कि आज से तेज़ी बन जाएगी, हो गया जो भी अब टैक्स हार्वेस्टिंग और स्ट्रेस टेस्ट और जो भी सब था हो गया, कितने दिन तक चलेगा ये, सो नई तेज़ी आज से शुरू हो जानी चाहिए। बस और दिन बचे क्या है एक्सपायरी में यार, कल का ट्रेडिंग सेशन उसके अगले हफ्ते के 3 खत्म, एक्सपायरी आ गई बिल्कुल फैग एंड पे सीरीज की, और अप्रैल तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा रिस्पाइट प्ले आउट खैर होगी नहीं होगी, भाई अच्छे दिन है एटलीस्ट, आज का सेशन तो बढ़िया दिख रहा है इंदिर जी की कमेंट्री में आता हुआ। आप चलिए आगे बढ़ा जाए आज के स्टॉक्स, सबसे पहले अच्छा ऐसे देख रहा था मैं इसलिए चुप था कि सारे सरकारी हैं, ऐसा कुछ सोचा नहीं था मैंने, लेकिन अलग अलग रीजंस हैं। पहला भारत डायनामिक्स, आज है बोर्ड मीट तो उसमें किसी के लिए सरप्राइज नहीं है, जो लोग टटोलते रहते हैं उन सबको पता है, पर आज दिन है आज आउटकम आएगा इसीलिए ग्रीन लेके चलता हूं। दो चीजों पे बोर्ड मीट है भाई, इंटरिम डिविडेंड फैसला अपनी जगह, साथ साथ आज ये स्टॉक स्प्लिट भी कंसिडर करेंगे सब डिविजन ऑफ शेयर, तो भारत डायनामिक्स रडार पे रखते हैं आज, शायद इन ग्रीन मूड भी बढ़िया ही है इन ग्रीन रख के चल रहा हूं, पर आज मीट के आउटकम अवेटेड रहेगा कीनली। तो BDL पहला काउंटर हो गया, इसी कड़ी में अगला एक और सरकारी आ गया, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड या जिसे हम BEML कहते हैं। कल बाजार बंद होने के बाद मोटा मोटी मेरे ख्याल से शाम को अपडेट आया कि इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर दिया है एक इंडिजिनस 1500 HP का इंजन, मिलिट्री व्हीकल्स के लिए खास तौर पे इस हाई पावर इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इनके मैसूरू प्लांट पे ये टेस्ट फायरिंग सक्सेसफुली कल्मिनेट हुई। बेसिकली हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजीज में सेल्फ रिलायंस की जर्नी में एक इंपॉर्टेंट ये स्टेप जो कल अचीव करा है हमने।
बढ़िया है, आई एम होपिंग ये सब सक्सेसफुली टेस्ट फायर हुआ है तो इवेंचुअली ऑर्डर ट्रिकल इन करना शुरू करेंगे। खबर पॉजिटिव है, इन ग्रीन लेके, मैं सोचता हूँ मिलिट्री टैंक्स वैंक्स के लेके भी इंजन के इस्तेमाल होते हैं, पीएमएल ग्रीन है भाई इस अपडेट को लेकर जो इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। और ये प्रोजेक्ट वैसे 2020 में इनिशिएट हुआ था, एक्सपेक्टेड था मिड 2025 में कल्मिनेट होगा। अब ये अब इवेंचुअली और सच इंजन डेवलप करने की तैयारी हो रही है। आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड तीसरी सरकारी हो गई भाई साहब, और इनके लिए खबर अच्छी है। अब तक एलओए, लेटर ऑफ अवार्ड, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ये सब खबरें आ रही थी। अब आया जेन्युइन L1, मतलब ये अब तक डिस्काउंटेड नहीं था। ये एक साउथ सेंट्रल रेलवे का इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के अपग्रेडेशन का ऑर्डर था, जिसके लिए इन्होंने भी बोली लगाई थी। ये लोएस्ट बिडर के तौर पे इमर्ज हुए हैं। 167 करोड़ रुपीज का ऑर्डर इनके पास आता हुआ नजर आएगा। तो तीन सरकारी एक साथ हरे। मैं तो सब सरकारी सरकारी रखी है, लेकिन नहीं कुछ प्राइवेट भी है सरकारी ऐसा मैंने तो ऐसी खबरें थी, इसलिए आपको अलग ही था। मेरे पास खबरें नहीं थी और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मार्केट में बड़ी तेजी बनी, जिनकी बहुत पिटाई हुई थी पिछले जो 4-15 दिनों में, उसमें फोकस होना। तो मैंने पावर सेक्टर फोकस किया, NTPC, PFC और BHEL, तीनों स्टॉक की आपने देखा होगा पिछले जब से गिरावट शुरू हुई है ये स्ट्रेस टेस्ट की वजह से, तब से इन सब में अच्छी खासी गिरावट आई है। सब अच्छी पेडिग्री के बड़े दिग्गज स्टॉक हैं, इसमें कोई मिड कैप नहीं है, सब लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, अगर मार्केट रिकवर करता है, पलटता है, तेज़ी बनती है, तो आपको इन्हीं स्टॉक्स में बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मार्केट जो जिस तरह से बिहेव कर रहा है उसके कॉन्ट्रा व्यू लेके चला जाए, कंसिडरिंग कि जिस तरह से US फेड की कमेंट्री आई है, US मार्केट में तेज़ी है, तो कर सकते हैं कि आज इसमें माहौल बन सकता है। तो BHEL, PFC और NTPC ग्रीन में तीन। अगले ओके, अगला स्टॉक है भाई JSW इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्होंने कल बस एक अपडेट दिया था कि जो टोटल कार्गो वॉल्यूम्स ये हैंडल करते हैं उसमें एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव कर रहा है। 100 MMT, मिलियन मेट्रिक टन्स का वो आंकड़ा इन्होंने क्रॉस कर दिया है। ये कल शाम को अपडेट आया, भाई आसान शब्दों में मतलब अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, धंधा बढ़िया चल रहा है, ग्रोथ ही हो रही है, तभी इस तरह के टारगेट्स अचीव हुए। मिड फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म हुआ नहीं, और प्लस दे गो ऑन टू से ये JSW इंफ्रास्ट्रक्चर ने जो अपडेट दिया 100 MMT का, इसमें कार जो एक्विजिशंस करे हैं अभी हाल फिलहाल बहुत झड़ी लगाई थी वो इंक्लूडेड नहीं है, और जो ONM बेसिस पे कार्गो हैंडल करते हैं वो सब एक्सक्लूडेड है। तो ऑर्गेनिकली बहुत बढ़िया ट्रैक्शन लाता हुआ JSW इंफ्रा को ग्रीन रखा है, हालांकि स्टॉक खासा वीक था। TVS मोटर्स कल भी अपन सुबह चर्चा कर रहे थे, अब इस खबर से चले नहीं चले, वैसे भी स्टॉक पिटने के बाद लग रहा था साइंस ऑफ स्टेबिलिटी, खैर लग रहा था कल भी चलना चाहिए, कल तो चला ही नहीं, इसलिए अपन वॉच करेंगे क्योंकि ऑफ लेट अच्छी खासी वीकनेस आई है TVS मोटर के काउंटर पर। अब इन्होंने वो मंजूरी दे दी है, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स बोनस के तौर पे जारी होंगे, 1 पे 4 मिलेंगे आपको, 1900 करोड़ रुपये अपने रिजर्व से इस्तेमाल करें, क्योंकि बोनस है, बोनस के लिए अपने रिजर्व से इस्तेमाल करेंगे और ये जारी करे जाएंगे। 6% का इंटरेस्ट वगैरह है, वो डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगे। ग्रीन रख दिया है इसको। ड्रीम फोक्स सर्विसेज को ग्रीन रखा है, रेटिंग अपग्रेड आया है, और क्रिसिल रेटिंग्स ने दरअसल इसकी रेटिंग अपग्रेड करी। और मैं टटोला था उसमें, रैशनल ऐसा कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था, पर वो रेटिंग अपग्रेड आपकी स्क्रीन्स पर है इसीलिए ग्रीन कर दिया। 6 संपला ओके, 6 संपला। तो अगले तीन में एक जूनिपर होटल्स के रिजल्ट आए, तो रिजल्ट ठीक दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पे जो इनकी रेवेन्यू है, सेल्स बढ़ी करीब 32% साल दर साल, प्रॉफिट दुगना हो गया है यहाँ पे करीब 3.5 करोड़ के आसपास, जबकि लॉस में था। और दिसंबर क्वार्टर से भी देखेंगे तो अच्छे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, और एबिटा भी जो है इनका एबिट एक्चुअली 35% बढ़ के आया है, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें मार्केट में बहुत बहुत हद तक डिस्काउंट हो चुकी हैं, लेकिन मुझे लगता है इसमें ध्यान रखिए। एक और रिजल्ट आया था कल, GPT हेल्थ केयर, इसके नतीजे बहुत ही कमज़ोर दिख रहे हैं मेरे को। 4% की सेल्स ग्रोथ, 3% एबिटा है, प्रॉफिट जो कि लो बेस था इसलिए यहाँ पर बढ़ के देखने को मिला है। इसको रेड में रखना चाहिए GPT को, और जूनिपर को
ग्रीन में लेके चलें, तो ये दो और आप इसमें लें। छठवां स्टॉक मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको लेके चलना चाहिए, चेन्नई पेट्रोलियम। कल आपने ध्यान दिया होगा तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी उसमें थोड़ी थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिली और फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुए थे कल वो। आज क्रूड भी नरम पड़ा है, थोड़ा ठंडा पड़ा है, और ये स्टॉक 1000 रुपये से ऊपर चला गया था और वहाँ से पिटपिटा के अब 850 पे आ गया है। तो मुझे लगता है अगर ये रिकवरी आती है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज OMCs में तो सबसे तेज़ इनमें आएगी चेन्नई पेट्रोलियम और MRPL में, तो ये ध्यान रखना चाहिए, इसलिए इसको ग्रीन में लेके चल रहा है। छोटा सा एक ब्रेक और उसके बाद अगले चार चार स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब आपको सातवां स्टॉक बता रहा हूँ, पेट्रोनेट LNG। ये तो मैंने सिटी की रिपोर्ट के आधार पर दिया है, सेल कॉल इन्होंने दी है, इन्होंने कहा है कि टारगेट 220 रुपये का होना चाहिए। बहुत सारे इन्होंने लॉजिक लगाए हैं कि अब मूव काफ़ी आ चुका है, अपॉर्चुनिटी है, अब मौका है बेचने का, तो इसलिए सेल कॉल है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। NMDC में भी सिटी की रिपोर्ट है और इसमें भी उन्होंने सेल कॉल दी है और टारगेट जो है पहले 215 था उसको घटा के अब 180 रुपये कर दिया है। उनका कहना है कि ग्लोबल के आयरन ओर प्राइसेस जो हैं वो करेक्ट हुए हैं, $130 से कम हो गए हैं और अब उनको लगता है कि और 105 के आसपास हैं, उससे नीचे भी जा सकते हैं, तो NMDC में सेल कॉल दी उन्होंने। एवेन्यू सुपरमार्ट में ग्रीन रखिएगा, इसमें सीलेसेक ने टारगेट तो 5107 किया, लेकिन जो इन्होंने लॉजिक दिया ना बहुत दिलचस्प, उन्होंने कहा है कि $500 बिलियन का एड्रेसेबल मार्केट है ऑर्गेनाइज रिटेल का और अभी सिर्फ 5% ऑर्गेनाइज है। ये तो ऐसी बात है जैसे मुझे आज पता चली सिर्फ, तो खैर अब टारगेट दिया तो देख लीजिएगा। BSE में इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है, इन्होंने 2800 के लक्ष्य के साथ अपग्रेड किया है बाई की तरफ। इनका ये है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन आ रहा है इक्विटी डेरिवेटिव्स वॉल्यूम में BSE के लिए, ये बहुत पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रीन में इसको लेके चल सकता है। ओके, चलिए अगले स्टॉक्स में। आज एक लिस्टिंग है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज, जो फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, प्रोफेशनली रन फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज मुहैया कराती है। इसकी लिस्टिंग 13 गुना सब्सक्राइब हुआ था, इसके पीयर्स एडाप रहेंगे, मैं एक लेके जा रहा हूँ SIS लिमिटेड, हालांकि 3 पीयर्स हैं और कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि ये स्टॉक चुनूं। अपडेटर भी है, क्वेस्ट कॉर्प भी है और SIS भी है। SIS सिर्फ मैंने इसलिए मेंशन करा क्योंकि क्रिस्टल जिस भाव पे मिल रहा था वैल्यूएशन पे, एग्जैक्टली उसी वैल्यूएशन पे SIS भी खड़ा हुआ है, बाकी दोनों बाजार में प्रीमियम, क्वेस्ट कॉर्प प्रीमियम, अपडेटर उससे भी ज्यादा प्रीमियम कमांड कर रहा है। तो अगर क्रिस्टल इंप्रूव होगा आज ट्रेड के दौरान तो शायद इस पर रब ऑफ पड़ सकता है, इसीलिए सिर्फ ग्रीन, आप वॉच आउट करिए। ASM टेक्नोलॉजीज जो कि डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर की ऑटोमोबाइल स्पेस के लिए करती है, इस कंपनी ने कल अनाउंस किया कि ये 170 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर्स और वारंट्स प्रेफरेंशियल बेसिस पे अलॉट करेंगे। 70 करोड़ रुपए रेज हो गए ऑलरेडी इक्विटी के थ्रू और 100 करोड़ रुपए वारंट्स के थ्रू आगे आएंगे, कुछ मार्की इन्वेस्टर्स को दिए जा रहे हैं जिसमें मुकुल अग्रवाल साहब को दिया जा रहा है और प्लस प्रमोटर्स भी इसमें सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग अपडेट था, रख दिया ग्रीन में। ऐसी जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका एक IT का डिस्प्यूटेड डिमांड थी 76, मतलब IT की डिमांड थी डिस्प्यूट पे थी 76 करोड़ रुपीज के आसपास, कल वो अपडेट आया कि नलिफाई कर दिया गया वो डिमांड। पर ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो 25 करोड़ रुपए ऑलरेडी जमा कर रखे थे असेसिंग ऑफिसर के कहने पे, वो डिसअलाउ करा है, वापस विड्रॉ नहीं होंगे, वो अपहेल्ड रखा गया है, लेकिन इनके लिए रिलीफ है कि 25 रुपए निपट गया 76 का मामला, इसलिए ग्रीन रखा है इसको। और लास्टली प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स, इसने एक वॉरेन फिक्स्चर्स से उनके एक्वल ब्रांड का एक्विजिशन कर लिया है जो कि बाथवेयर और फिटिंग्स इंडस्ट्री का एक ब्रांड है, तो इनहाउस मैन्युफैक्चरिंग क्षमता वगैरह बाथवेयर सेगमेंट में रोडवे ये सब मिलता हुआ इस कंपनी को नजर आएगा, इसीलिए ग्रीन रख दिया इस कंपनी को। हालांकि एक्विजिशन का साइज बहुत मीनिंगफुल नहीं है, ध्यान रखिएगा 50-55 करोड़ रुपए के आसपास का अधिग्रहण है,
पर ग्रीन रख दिया, 10 निपट गए। ये कल का स्टॉक, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस बार जब लौटेंगे तो ये जो टीम्स मेंशन करी थी 10-10 स्टॉक जो आज हाईलाइट किए थे उनका एक क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। सीधा सौदा के टीम लाइनअप स्क्रीन पर आ जाएंगे, लेकिन हमेशा की तरह याद रखिएगा ये सिर्फ लाल हरे खबरें डेवलपमेंट्स के दम पर है, नॉट नेसेसरली स्टॉक की चाल के लिहाज से, वो आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को कॉल देना है। पहला, भारत डायनामिक्स आज बोर्ड मीट, इंटरिम डिविडेंड और एक हाल से स्प्लिट पे विचार करने के लिए। BEML एक मेडन टेस्ट कराए इंजन का। RVNL L1 इमर्ज हुए एक ऑर्डर के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे के। JSW इंफ्रा इनका बिजनेस अपडेट आया। TVS मोटर्स बढ़िया, एक पे चार प्रेफरेंशियल शेयर जारी करेंगे, गणित बाद में समझाऊंगा, इंटरेस्टिंग है वैसे स्टॉक पिटा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ड्रीम फोक सर्विसेज रेटिंग अपग्रेड क्रिस्टल की तरफ से। SIS इसके एक पीयर क्रिस्टल इंटीग्रेटेड लिस्टिंग है, सारे पीयर डड़ा पर रहेंगे, कोई रीजन नहीं है किसी पीयर स्क्रीन पर है, कोई अपडेटर को स्कॉप भी डड़ा पर रखिएगा। ASM टेक्नोलॉजीज प्रमोटर्स को और कुछ मार्केट इन्वेस्टर्स के थ्रू फंड रेजिंग कर रहे हैं, शेयर और वारंट जारी कर रहे हैं प्रेफरेंशियल बेसिस पे। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक IT का डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लिया है, और प्रिंस पाइप्स ने एक बाथिंग एंड लग्जरी सेगमेंट ऐसा कोई सेगमेंट में एक ब्रांड एक्वायर करा है, कल वो शाम को अपडेट आया तो ग्रीन कर दिया। ओके, सरकारी कंपनियों पर पूरा फोकस और काफी बीटन डाउन है पिछले कुछ दिनों में, तो मैं लगता है कि बहुत बढ़िया बाउंस बैक इसमें आना चाहिए अक्रॉस द सेक्टर। PSU में से ले ऊपर से NTPC, PFC, BHEL जो बड़े वाले हैं जिनके पीछे फंडामेंटल बैक स्टोरीज हैं और जो अगले 5-6-8 साल तक प्ले होंगी उस पर फोकस करिएगा। इसीलिए चेन्नई पेट्रोलियम भी शामिल किया और कल हमने PSU में OMCs भी रखा था, तो ये रखिएगा। जूनिपर होटल के रिजल्ट्स आए हैं, अच्छे रिजल्ट्स हैं, इसको ग्रीन रख सकते हैं। GPT हेल्थ केयर के रिजल्ट कमज़ोर है, कोई खास नहीं है। चेन्नई हमने आपको बताई, पेट्रोनेट LNG में लेकिन सिटी की सेल कॉल है। NMDC में आयरन की कीमतें लगातार ग्लोबली गिर रही हैं, $105 तक पहुंच गई हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट पे CLSA की बाई कॉल है, 5100 से ज़्यादा का टारगेट है। और BSE में इन्वेस्टेक की बाई कॉल के साथ 2800 रुपये का टारगेट है, तो इसको ग्रीन में रख सकते हैं।